इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडर 30,000 में आने वाले टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। और सभी स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज सुपर एमुलेट डिस्प्ले होगा, 5G पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा, बेस्ट कैमरा सेटअप भी मिलेगा और 4K OIS के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इस वीडियो में कोई भी स्मार्टफोन को रैंकिंग नहीं करेंगे क्योंकि सभी फोन अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करेगा। सभी स्मार्टफोन्स के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, बेस्ट कैमरा सेटअप मिलेगा और इनमें से आपके बजट के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप लोग स्मार्टफोन को बाय करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमेशा की तरह गेमिंग लवर्स के लिए। अगर आप भी मेरे तरह गेम खेलते हो और गेमिंग करने के लिए अंडर 30,000 में बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो IQ Neo 7 आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। जनरली IQ का जो स्मार्टफोन होता है वो एक परफॉर्मेंस सेंटी का स्मार्टफोन होता है और गेमिंग के लिए तो भाई उसमें अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। उसमें कूलिंग वगैरह का भी सिस्टम मिल जाता है जिसमें आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए गेमिंग कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज का एमुलेट डिस्प्ले मिल जाता है, डायमेंसिटी 8200 का प्रोसेसर मिल जाता है और ये काफी तगड़ा प्रोसेसर है जिसमें आप लोग कोई भी हाई ग्राफिक्स गेम को स्मूथली प्ले कर सकते हो। रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 2MP का माइक्रो कैमरा है और 2MP का डेप्थ कैमरा है। इस फोन के कैमरा से आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है और वहीं पे 5000 की बैटरी मिल जाती है जो कि सपोर्ट करता है 120 वाट के फास्ट चार्जर को जो कि भाई काफी तगड़ा है। 8GB प्लस 28GB का वेरिएंट का प्राइस है 28,999 और इस प्राइस पर ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। हमारा जो अगला स्मार्टफोन है वो भी एक गेमिंग स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन है पोको F5। 6.67 इंच का एमुलेट डिस्प्ले मिल जाता है, इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और ये प्रोसेसर भी काफी पावरफुल प्रोसेसर है और इसमें भी आप लोग काफी हैवी ग्राफिक्स गेम इजीली कर सकते हैं। रियर में आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी विथ OIS के साथ आता है, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का माइक्रो कैमरा है और इसके बैक कैमरे से आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 60 मेगापिक्सल का सेल्फी है, 5000mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करता है 67 वाट के फास्ट चार्जर को। 8GB प्लस 256GB का प्राइस है 29,999। तो अगर आप 30,000 के प्राइस में गेमिंग के साथ साथ एक अच्छा सा कैमरा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो पोको F5 भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगला स्मार्टफोन है मोटोरोला S40। 6.55 इंच का 144 हर्ट्ज का OLED डिस्प्ले मिल जाता है, डायमेंसिटी 8200 का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेस्ट प्रोसेसर है। रियल में आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, इसमें आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और साथ ही 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और इसके सेल्फी कैमरा से भी आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और ये स्मार्टफोन वाटरप्रूफ भी है, 4400mAh की बैटरी मिल जाती है और ये सपोर्ट करता है 68 वाट फास्ट चार्जर को और 15 वाट वायरलेस चार्जर को भी सपोर्ट करता है। 8GB प्लस 256GB का वेरिएंट का प्राइस आपको 29,999 का पड़ जाएगा। अंडर 30,000 के प्राइस में एक पावरफुल साथ ही स्ट्रोक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस चाहिए। फोन के अंदर कोई भी ब्लॉटवेयर कुछ भी एड्स वगैरह नहीं चाहिए, एक पूरा ही क्लीन UI का एक्सपीरियंस चाहिए तो मोटोरोला H40 आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन बन जाता है। अगला स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी F54 5G। ये स्मार्टफोन रिसेंटली इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंचेस का 120 हर्ट्ज का सुपर एमुलेट प्लस डिस्प्ले मिल जाता है। इसमें सैमसंग का एक्सिनोस 1380 का चिप लगा है जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है और ये भी प्रोसेसर काफी पावरफुल प्रोसेसर है। आपको डे टू डे यूजेस में आपको फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं दिखेगा। रियल में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 108MP का प्राइमरी कैमरा है, 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2MP का माइक्रो कैमरा है। इस फोन में भी आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है और इसके फ्रंट कैमरा से भी आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाती है और ये सपोर्ट करता है 25 वाट फास्ट चार्जर का। 8GB प्लस 28GB वेरिएंट का प्राइस 29,999 है। अगर आप लोग सोच रहे थे कि 30,000 के अंदर में सैमसंग का कोई लेटेस्ट फोन लेना है तो सैमसंग गैलेक्सी F54 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगला स्मार्टफोन है उनके लिए जो एक कैमरा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं और वो भी अंडर 30,000 के प्राइस में, और ये स्मार्टफोन है गूगल पिक्सल 6A। इसमें 6.1 इंच का 60 हर्ट्ज का OLED डिस्प्ले मिल जाता है और इसमें गूगल का टेंसर प्रोसेसर भी मिल जाता है। रियर में आपको डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, 12.2 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 12MP का सेकेंडरी कैमरा है। अब भाई ये कैमरा ज्यादा मेगापिक्सल का नहीं है तो इसको हल्के में मत लेना क्योंकि भाई एंड्रॉइड का भगवान ने इस फोन को बनाया है। तो भाई आप लोग सोच ही सकते हो कि इसका कैमरा कैसा हो सकता है। इसके बैक कैमरा से आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 8MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। इस फोन में 4410mAh की बैटरी है और ये सपोर्ट करता है 18 वाट फास्ट चार्जर को। 6GB प्लस 28GB का प्राइस है 28,999। अगर आप लोग 30,000 के प्राइस में एक कैमरा सेंटी का फोन बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए गूगल पिक्सल 6A बेटर रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया होगा। मेरा मतलब है कि आपको बहुत पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।